जय हिंद वंदे मातरम साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई जो कि जीन है, इसका सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, अनुवांशिकी की आधारभूत इकाई क्या है, तो याद रखना है जीन, और इसका सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरगोविंद खुराना ने। देखिए, सी ऑप्शन में है ग्रेगर मेंडल, तो इसको बोला जाता है अनुवांशिकता का पिता। तो याद रखेंगे, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछे किसने किया था, तो जोहानसन ने। कब किया था, 1909 में। आगे देखिए, भारत का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, भारत का महान्यायवादी। चलिए आगे देखिए, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा, ऋण की उपलब्धता बढ़ जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज पूछे तो कौन सा है, याद रखिएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति क्या हो, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अब देखिए, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि पूछा जाता है, किसको होता है, तो याद रखिएगा, लेनदार को। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि जो है लेनदार को होती है, और मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें जो होती है वो महंगी हो जाती है। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन, समस्त मांग से कम हो, जब समस्त पूर्ति तब मुद्रास्फीति होती है। और भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है, तो याद रखिएगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है मुद्रास्फीति को। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, तो यहां पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, SBI, भारतीय स्टेट बैंक। इसका पुराना नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना कब होती है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। बाकी भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में। गुरु नानक देव जी कहाँ पैदा हुए थे, देखिए गुरु नानक देव जो है सिखों के प्रथम गुरु थे, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यानी कि मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के बारे में बताया गया है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नागसेन। राजा मिलिंद और
नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में बताया गया है मिलिंद पन्हों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 5 भागों में बांटा गया है, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतंत्रात्मक, चौथा समाजवादी और पांचवा गणराज्य। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द हैं नोट कर लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। निम्नलिखित सब्जियों में किसकी जड़ नहीं होती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित सब्जियों में किसकी जड़ नहीं होती है? तो याद रखिएगा आलू। देखिए आलू, हल्दी और अदरक, तीनों ध्यान रखना है, ये क्या है? तना है। आगे देखिए, मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? 11 नंबर प्रश्न को स्किप किया गया है, टाइपिंग एरर है। चलिए आंसर कीजिए, मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो देखिए मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब को मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर की ये जो है यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला उपकरण है, टैकोमीटर। आगे देखिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है पुणे में स्थित है। आगे देखिए शोभना चंद्र कुमार किस रूप में जानी जाती है? चलिए आंसर बताइए 14 के लिए, शोभना चंद्र कुमार किस रूप में जानी जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? नृत्यांगना। ये क्या है? एक नृत्यांगना है शोभना चंद्र कुमार। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? और वास्तुविद पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है चार्ल्स कोरिया। अमेरिकी के इतिहास में 4 जुलाई 1776 के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है स्वतंत्रता की घोषणा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था पूछा जाता है, तो 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बना था। चलिए आगे देखिए, मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु कौन सा है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, क्या है? रेयॉन है। देखिए सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को ही रेयॉन कहा जाता है। आगे देखिए, एंथ्रेक्स निम्न की गंभीर बीमारी है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। एंथ्रेक्स जो है ये निम्न की गंभीर बीमारी है, पशु, कुक्कुट, मछली या सभी? तो इसका सही जवाब है पशु। ये पशु में होने वाला रोग है एंथ्रेक्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखेंगे पशु में जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, इन सभी में ये बीमारी होती है। और एक पूछा जाता है रानी खेत बीमारी, ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है।
गुलाम राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल है, गुलाम राजवंश की स्थापना जो है 1206 में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। सही जवाब है डी ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है अयोग्य शासक था, जिसके कारण आराम शाह की जो हत्या है किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ध्यान रखेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1829 में सती प्रथा के अंत में इन्होंने सहयोग दिया था। औरंगजेब को दक्षिण में जिस दो राज्य पर विजय मिला था वह था? चलिए तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखेंगे औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी सितार, सितार वादन से संबंधित है विलायत खां। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये भी सितार से संबंधित थे। अमजद अली खां पूछा जाता है, सरोद से संबंधित थे। बिस्मिल्ला खां आप सभी जानते हैं, सहनाई वादन। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश भी है। तो अगर गुजरात ना हो तो आप लोग आंध्र प्रदेश आंसर बता सकते हैं। तो सही जवाब क्या है, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूतम, ये सभी पुस्तकें जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है, जबकि मृच्छकटिकम ये पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। ध्यान रखेंगे आगे देखिए, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार जो है कौन होता है? तो याद रखिएगा महान्यायवादी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अस्थियों का अध्ययन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। पर्ल टावर कहाँ पर स्थित है? तो पर्ल टावर कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शंघाई में स्थित है, चीन के शंघाई में स्थित है पर्ल टावर। एफिल टावर पूछे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है एफिल टावर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए।
और जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। कल से हम लोग न्यू प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए आज सिर्फ रिवीजन के तौर पर रखे हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कासमास 2406 क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, कासमास 2406 ये क्या है? तो याद रखिएगा ये एक सैन्य उपग्रह है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का पहला अस्थि बैंक स्थापित किया गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। भारत का पहला अस्थि बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा दिल्ली में। चलिए आगे देखिए, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? और गैसीय तत्वों में सबसे भारी पूछे तो रेडॉन, सभी को नोट करते चलेंगे। गैसीय तत्वों में सबसे भारी क्या है? रेडॉन है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है? चलिए तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध पूछा जाता है कावेरी नदी पर है। थीन बांध पूछे रावी नदी पर है। पोंग बांध पूछा जाता है व्यास नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है। बाकी गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये सभी चंबल नदी पर है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है हम्पी, ये किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, ये बेल्लारी जिले में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य पूछे तो कर्नाटक राज्य में, ध्यान रखेंगे। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो दोस्तों टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? दरिया दौलत बाग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी आप लोग कमेंट करके बताइए। और हरिहर और बुक्का जो है ये किस वंश से थे? तो संगम वंश से, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये जो ऑप्शन ए में है कृष्णदेव राय, आप लोग बताइए ये किस वंश से संबंधित थे? निम्नलिखित में से कौन से विख्यात बांसुरी वादक है? तो यहाँ पर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया, ये विख्यात बांसुरी वादक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को लिखा है, तो यहाँ पर सही जवाब है 70 वर्ष। चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन एक मीन है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? फ्लाइंग फिश, ये क्या है? एक प्रकार का मीन है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, देखिए आपको बताते हैं। देखिए समुद्री घोड़ा क्या है? वास्तव में एक मछली है। फ्लाइंग फिश क्या है? ये एक मछली है। क्रे फिश जो ऑप्शन में है, कतल फिश और सिल्वर फिश ये मछली नहीं है। सिल्वर फिश, क्रे फिश, कैटर फिश
ये मछली नई है, मीन का मतलब मछली होता है, तो निम्न में से कौन एक मीन पूछा जा रहा है, तो फ्लाइंग फिश क्या है, मीन है जो कि मछली है। और मछलियों में श्वसन की क्रिया कहाँ से होती है, तो गिल से। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसका है, तो यहाँ पर सही जवाब है महात्मा गांधी की नारा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज कुछ खास प्रश्न नहीं था, कल से हम लोग सिलेक्टेड प्रश्नों को ही कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।